नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एनकी नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, शाम के समय से ब्लॉग स्टार्ट किया है और यहाँ पे आंटी जी के छत पे अनाज सूखने को डाला था तो वही सूख गया है अब, तो उसे उठाने आए थे क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 दिन से ही ये जो गेहूँ है इसे बार बार उतराव चढ़ाव कर रहे थे और अब वो जाके सूख गया। तो ये देखिए हमारे गाँव का लुक कुछ इस तरीके का है। हर किसी के घर में मतलब लेंटर तो है लेकिन फिर भी कच्चे वाले घर किसी ने हटाए नहीं हैं, रखे हैं। हर किसी ने एक ना एक कच्चे घर बना रखे हैं अपने अपने। तो ये हैं गेहूं डले हैं और मतलब यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम हमारा यही था कि आटा पिसवाने के लिए गेहूँ धो के डाल दिया था और धूप भी अच्छी निकल रही थी तो सूख भी गया ये अच्छी तरीके से। तो अब इसे इकट्ठा करके और भर के रख दे रहे हैं क्योंकि आंगन गीला था, अगर वहाँ डाल दे तो ये सूखता नहीं और गीला हो जाता, तो इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया था। आंटी जी के घर पे यहीं पे धो दिया था और यहीं पे लाके छत पे हमने डाल दिया और ये सूख गए हैं। अब मैं इसे बोरी में इकट्ठा कर लूँगी, तो 2 बोरी लगभग मैं लेके आई थी तो 2 बोरियों में भर लूँगी इसे। दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं। तो यहाँ पे मैं इन्हें कह रही थी कि देखो पेड़ जैसा डिजाइन बन गया है, तो इन्होंने कहा कैसे बन गया, तो मैं वही इन्हें बना के दिखा रही थी कि ये देखो पेड़ वाला डिजाइन बन गया है यहाँ पे। तो अब दोस्तों दोनों नांच की बोरी ना भर ली है, पैक कर ली है, तो आस्था के पापा अब इसे अपने घर पे लेकर जा रहे हैं। तो ये देखिए ये घर जो है सीढ़ी के इधर, ये आंटी का घर है और सीढ़ी के बाद जो आपको दिख रहा है वो अम्मा और पापा का घर है और इसके बाद मतलब रोड के उस तरफ हमारा घर है। तो ये कुछ इस तरीके से घर था। और अब देखिए शाम हो गई है तो मैं आ गई हूँ रोटी बनाने, सब्जी बन चुकी है और चूल्हा देखिए वही है, गीला ही था मैंने लेकिन जैसे तैसे खाना इसी पे ही बना लिया है। गीला था जिसके कारण चूल्हा ना जल नहीं रहा था और बहुत देर बाद जाके चूल्हा जला था और इतने देर में ना रात हो गई थी रोटी बनाने में मुझे आज। तो यहाँ पे अभी रोशनी का प्रबंध ना उतना नहीं कर पाए हैं और एक ही लाइट इधर अभी जल रही थी जिसके कारण रोशनी इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन एक लाइट हम इधर और लगा देंगे बिल्कुल चूल्हे के पास ही ताकि थोड़ी सी रोशनी इधर भी हो जाए, ऐसे अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है और खाना बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। और गर्मी का तो क्या ही कहना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहे हैं खाना बनाने में चूल्हे के पास और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चूल्हे से तो लग ही रही है गर्मी लेकिन इधर ना तो हवा चल रही है और मतलब इतना ज़्यादा भाष्प हो गया है कि क्या बताया जाए। और इसी वजह से मैं तो बिल्कुल ना काली सी दिख रही हूँ और काली हो भी गई हूँ थोड़ी सी। तो इधर मौसम यहाँ का भी बहुत ज़्यादा गर्म है, जब तक 1-2 बारिश नहीं होगी ना तब तक ठंडा नहीं होगा, यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो दोस्तों देखिए खाना पीना बन गया है और अभी हाथ मुँह धो के आई हूँ तो इसलिए बिंदी जो है ना गिर गई है वो। तो यहाँ पे अब हो गया है सुबह और पूरे ही घर की सफाई करने लगी हूँ और लेकिन अभी दुकान की सफाई नहीं करती क्योंकि दुकान के इधर अम्मा पापा ही रहते हैं, वही दुकान में बैठे रहते हैं तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाती हूँ और बाहर की तरफ भी झाड़ू मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो अम्मा ही शायद झाड़ू लगा देती होंगी, मैंने देखा नहीं उस दिन से, मैं गई भी नहीं उस तरफ दुकान के बाहर की तरफ के झाड़ू लगाते हैं सुबह या फिर नहीं लगाते, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ अभी। और मैं सिर्फ तो बस मैं सुबह उठी और अपने ही आंगन की ही सफाई करने लगी हूँ, चूल्हा रात में जो खाना बनाया था उसकी राख भी भर दूंगी और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा पानी गिर गया था जिसकी वजह से चूल्हे का जो
राख था वो गीला हो गया और वहाँ के थोड़े से वो जो पड़े थे राख आख से वो भी सारे गीले हो गए, तो इन सभी को समेट दूंगी। और सोच रही थी कि चूल्हे में पोतनी माटी फेर देती, लेकिन पहले इसे गोबर से लीपना होगा, उसके बाद ही पोतनी माटी इसमें फिर पाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी ना कि हर जगह घास उग गई है, जहाँ पे चला फिरी नहीं होती है। तो वही आज आस्था के पापा यहाँ की भी सफाई कर रहे हैं और यहाँ पे जितने में फालतू घास उग गई है, चारा उग गया है, वो हटा रहे हैं। और कुछ मिट्टी जो मैंने चूल्हे की उठा उठा के यहाँ पे डाल दी थी, तो वो भी आस्था के पापा साइड कर दे रहे हैं, ताकि और मिट्टी जो किचन वगैरह में गिरी है और बखरी में गिरी है, तो वो सारी मिट्टी यहाँ इकट्ठी करके भिगा के छोड़ देंगे, ताकि किचन का रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर दें हम। और अभी इस घास को छिल छिल के हटा दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर साफ़ सुथरा दिखने लगे। तो अभी तो पूरा घर गंदा है, दुकान की तरफ ऐसे ही जाना आना नहीं हो पा रहा है, और ना ही उस तरफ, मतलब अभी थोड़ा दिक्कत ही हो रहा है। जब तक दुकान हम लोग खुद ही नहीं कर लेते, तब तक ना ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ किचन तक में ही, किचन नहीं, जो वो जो हमारा चपड़ा है वहीं तक में सीमित रह गए हैं, वहीं सारा सामान रखा हुआ है और टोटल ही काम हमारे उधर ही हो रहे हैं। तो वही है, आज पूरे ही मतलब आंगन की सफाई कर दे रहे हैं हम दोनों मिलके, जो भी फालतू की इधर उधर मिट्टी पड़ी है और नीम की पत्तियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा गिर गई हैं, तो झाड़ू लगा दे रहे हैं। बहुत दिनों से यहाँ झाड़ू ही नहीं लगी, तो जब से मैं भी आई तब से मैं खुद भी नहीं लगा पाई हूँ। तो आज सारी जगह की मिट्टी हटा के और पूरे मतलब आंगन की सफाई कर देंगे। तो आस्था के पापा तो चारा छोलने में लग गए हैं और मैं इतने देर में कुछ और काम कर रही थी। तो ये थोड़ा सा चबूतरा बन रखा है दोस्तों, और आप सभी कल कमेंट कर रहे थे कि आप चूल्हा नई जगह बनाते, नए सिरे से कहीं स्टार्ट करते तो हमें देखने में और अच्छा लगता, लेकिन अभी इन दिनों बारिश का सीजन चल रहा है, तो अगर मैं आंगन में चूल्हा बना भी दूंगी तो बारिश हो जाएगी और सारा टूट फूट हो जाएगा। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए चपड़ा के नीचे ही चूल्हा बना रखी हूँ, और उसके बाद सोचूंगी। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे पेड़ पौधे लग रखे हैं, तो ये पेड़ बगिया में पहुँचा के और इस चबूतरे को थोड़ा बड़ा करके, और यहाँ सोच रही थी एक चूल्हा लगाने का। तो आप सभी राय दीजिएगा कैसा रहेगा, और ये मतलब बाथरूम के पास भी है तो बर्तन वर्तन धोने में भी इजी होगा यहाँ अगर चूल्हा रहेगा तो।
तो दोस्तों घर के बहुत से सामान ना नहीं निकाल रही हूँ अभी, किचन का एक भी सामान नहीं निकाली हूँ। जो सामान यहाँ पहले से ही रख के छोड़ के चली गई थी वो सारी चीज़ें टूट फूट हो गई, धूप में मतलब सड़ गई, बारिश में ख़राब हो गई हैं। तो ये जो अभी साबुनदानी था इसे मैंने साफ़ कर दिया है, ये मैंने फेंक दिया था जब मैं जा रही थी यहाँ से दिल्ली के लिए, तो मैंने इसे अटारी पे फेंक दिया था और अब मैंने इसे निकाल लिया, वरना अगर ये इधर रखा रहता तो ये भी टूट जाता। तो यही है कि गांव में छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। बुरुजदानी का ध्यान नहीं रहा था तो वो टूट गया बिल्कुल। दे रहे हैं सब्जी अंदर धरी है। तो दोस्तों बर्तन यहाँ पे साफ हो गए थे मेरे, तो मैं आ गई हूँ कमरे में और इस कमरे की भी सफाई कर दे रही हूँ। आंगन की सुबह ही सफाई कर दी थी और नीम की पत्तियाँ फिर बाद में करी थी, और अब जाके फाइनली इस कमरे की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इसी कमरे में उठा बैठी हो रही है हमारी, मतलब यहीं पर आराम कर रहे हैं, तो इस कमरे की भी सफाई कर दे रही हूँ। और बहुत हमने बढ़िया किया था कि इस कमरे को हमने पक्का करवा दिया है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती लिपाई विपाई करने की यहाँ पे, वरना जिस दिन से आई थी उस दिन से अभी तक दो बार लिपाई हो जाती है इस कमरे में, क्योंकि सारा सामान लगभग यहीं रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे मतलब गोबर की लिपाई होती रहती है अगर, तो दरदरासा खुरदरासापन और वो सारा धूल मिट्टी उड़ता रहता है इस कमरे में, लेकिन अब बहुत आराम है। चाहे तो ऐसे ही आप लेट जाओ पोछा लगाने के बाद इस कमरे में, और फर्श बिल्कुल ठंडा रहता है। तो पक्के घर की ना बात ही कुछ अलग है। तो मेरा एक ही रूम ये पक्का हो पाया, लेकिन इस चीज़ की भी मुझे बहुत खुशी है। जहाँ मेरा पूरा ही घर कच्चा है, लेकिन इस वाले कमरे में कहीं भी धूल मिट्टी नहीं है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पे जैसे खटोली वटोली किसी और कमरे में हम बिछाते हैं, वहाँ पर लिपाई पुताई हुई रहती है तो खुद जाता है तुरंत से, खटोली जैसे ही बिछाओगे ना नीचे की धरती खुद जाएगी। तो यहाँ अब वो दिक्कत नहीं होती है, पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मतलब लीपा पोता और जैसे ही मैंने खटोली बिछाई तो तुरंत ख़राब हो जाता था, और झाड़ू लगाने पे सारा उड़ता था पूरे कमरे में, और झाड़ू लगाने पे सारे सामान पे धूल मिट्टी बैठ जाती थी। और इस कमरे की हालत भी बाकी सब जगह से अच्छी ही है, बस यहाँ से ही थोड़ा सा पानी गिरा था जहाँ कूलर रखा है, बाकी इस कमरे की हालत बिल्कुल सही है। क्योंकि ये डबल वाला कमरा है, इसके ऊपर भी एक कमरा बन रखा है, तो जो भी अगर पानी आता भी होगा तो उसी मतलब ऊपर वाले पे ही रह जाता होगा और नीचे नहीं आ पाता है पानी। तो ये कमरा ना बिल्कुल सेफ है, बढ़िया है, पक्का हो गया है, इसमें अलमारी वगैरह भी बनी हुई है, तो ये रूम बहुत बढ़िया है मेरे लिए। और ठंडक भी बहुत रहती है इस कमरे में, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है, बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी। तो अब देखिए दोस्तों, जो आंगन की हमारी मिट्टी कहीं कहीं भी डली है ना, उन सभी को आस्था के पापा उठा रहे हैं, वहाँ का घास उन्होंने साफ़ कर दिया है, और अभी यहाँ की जो मिट्टी गिर गई है दीवार की, ये उठा उठा के इसमें रख दे रहे हैं भर के, और एक जगह सारा मिट्टी इकट्ठा कर दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ना पूरा घर, कहीं यहाँ कचरा डला है, कहीं यहाँ कुछ डला है, तो बहुत दिक्कत हो रही है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मेरे को तो मेरा जी घुटता है एकदम, सारा सामान इधर उधर खिंड विंड देख के और पूरे घर की मतलब गंदी सी हालत देख के बहुत ही दिमाग ख़राब होता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल गंदा ना रहे और बिल्कुल चमका दो साफ़ हो जाए, लेकिन एक दिन में अगर ये सब करने बैठी तो भी कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरे से। तो वही आस्था के पापा और मैं ना धीरे धीरे मिल के सारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ की मिट्टी तो उठा दी थी, अब चलते हैं। ये जो किचन है हमारा, यहाँ भी पूरी मिट्टी बह बह के आ गई है, और यहाँ का दरवाज़ा जो है ना जाम हो गया है, और सारा ही मिट्टी यहाँ पे जम गया, जिसकी वजह से गेट खुल भी नहीं पा रहा था। तो यहीं पे अब सफाई करने लगे हैं आस्था के पापा, और पूरी मिट्टी यहाँ की हटा हटा के जो जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो हटा के फेंक दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मुझे क्या मिल गया है, मशरूम है, लेकिन ये मशरूम का वो जंगली वाला ब्रांड है ये, तो ये मुझे यहीं पे मिल गया जहाँ पे मैंने फेंक दिया ना, वहीं पे ये उग गया था।
जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये सब चीज़ें खुद ही अपने आप उग जाती है। कहा जरूर जाता है कि ये कुकुरमुत्ता होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है कुछ है। और ज़्यादा पानी बरसने से कहीं ना कहीं मॉइस्चर जम जाता है, जिसके कारण ये अपने आप ही हो जाते हैं। और यहाँ पे तो देखा जाता है कि जहाँ सांप का बिल होता है, वहीं पे ये जो ओरिजिनल वाला मशरूम होता है वो होता है यहाँ हमारे गांव में। फिर पानी भरेगा ना तो दीवार में से पानी सारा, जहाँ सांप का बिल होता है। तो मुझे लगता है शायद वहाँ की मिट्टी नरम नरम होती है, और वो सांप मतलब वैसे उनकी मिट्टी अलग ही प्रकार की होती है, पानी में डालते ही तुरंत घुल जाती है, तो इसलिए शायद वहाँ पे ये हो जाते हैं शायद। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आस्था के पापा ना ये सारी मिट्टी हटा दे रहे हैं, और कितनी ही ज़्यादा देख लीजिए आप खुद ही, किचन की पूरी आधी मिट्टी मतलब गिर गई है दीवार की। और अभी इसे रिपेयरिंग करने में ना ही कुछ तो मुझे लगता है 15-20 दिन या फिर एक महीना भी लग जाएगा ये सारा पूरा घर ठीक करते करते। लेकिन हम कर भी कुछ नहीं सकते, कुछ हमारा चारा नहीं है। देखिए हमें यहाँ पे रहते रहते सिर्फ 2-2.5-3 साल हुए हैं मुश्किल से, कंटिन्यू यहीं पे रह रहे हैं। तो उसके बाद और हमें फिर एक भी रूम पक्का नहीं मिला था, कुछ भी हमें पक्का नहीं मिला, सारा हमने यहाँ पे खुद ही बनाया है। और बस एक वो वाला कमरा है जिसमें हमने पक्का करा दिया, उसमें गाय भैंस बंधती थी। और एक जो दुकान वाला कमरा है वो बंद रहता था, बंद गुफा की तरह। तो हम भी बस वेट कर रहे हैं कि अगर जो सरकार द्वारा रुपए मिलते हैं उनसे वो आ जाए तो उससे भी थोड़ा घर बनवा लें। और कुछ अपनी कोशिश भी हमारी जारी है इसी। अब अगर बारिश होगी तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए चूल्हा जो बना हुआ था ना, इस पूरे चूल्हा टूट गया था और पानी भर रहा था, कीड़े मकोड़े होने के चांसेस थे, तो इसलिए ये भी यहाँ से हटा दिया है, मिट्टी यहाँ से हटा दिया। वैसे भी इसमें चूल्हा जला नहीं पाती थी और सारा धुआं कमरे के अंदर भर जाता था, तो इसलिए इस मिट्टी को भी यहाँ से हटा दिया है। और अब मैं पूरे जो आंगन में पत्तियाँ फैली हुई हैं इनकी सफाई कर दे रही हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो मेरे चैनल पर नए हैं, कमेंट कर दीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।